अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोधा से, जहाँ डांग न्यूज़ के चीफ एडिटर, मेंबर प्रेस क्लब और अंजुम आर्ट सोसाइटी के सदर हनीफ सिया की वालदा मोहतरमा हरकत कल बंद होने के बायस इंतकाल कर गई। मरहुमा को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा के सालों सौब के लिए कुरान खानी का अहतमाम भी किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खान की इस रिपोर्ट में। 15 रोजा डांग न्यूज़ के चीफ एडिटर, मेंबर प्रेस क्लब और अंजुमार सोसाइटी के सदर हनीफ सियाह की वालदा माजदा हरकत कलपंथ होने के बायस इंतकाल कर गई और अपने खाल के हकीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहुमा का नमाज़ जनाजा 23 अक्टूबर बरोज सोमवार को उनके अबाई गाँव में अदा किया गया, जिसमें सियासी समाजी सहाफी समेत हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मरहुमा को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा के साल स्वाब के लिए कुरान खानी तमाम 24 अक्टूबर बरोज मंगल को उनके घर पर किया गया। इस मौके पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सैफ खान, अंजुम आर्ट सोसाइटी के सरपरस्त आला अकरम अंजुम, इनाम खान, अरशद शाहीन, नसीम अब्बास चौधरी, राना साजिद, सैयद अनवर, राना मोहम्मद आजम, असद चौधरी, नदीम खान, अब्दुल हनान चौधरी समेत दीगर सहाफियों ने इजहार अफसोस किया और बिग न्यूज इंतजामिया भी चौधरी हनीफ सिया के गम में बराबर के शरीक है। अल्लाह पाक मरहुमा को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उस्मान खान, बिग न्यूज़, सरगोधा।